हेलो एंड वेलकम बैक टू पैम्स किचन एंड दिस इज़ प्रोमिला वर्मा। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी का हलवा। जी हाँ, आपने नमकीन शकरकंदी तो बहुत खाई होगी, लेकिन आज मैं लेकर आई हूँ शकरकंदी यानी कि स्वीट पोटैटो विद जैगरी। तो ये मैंने 750 ग्राम्स स्वीट पोटैटो ली है, उसको वॉश करके और उसको पील करके हम इसको काट रहे हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। ये देखिए, ये मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काट रही हूँ। तो ये स्वीट पोटैटो जो है ये बहुत ही अच्छी है हमारी हेल्थ के लिए। इसको आजकल सुपर फूड भी कहा जाता है क्योंकि इसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा होता है, जो कि हमारे विजन, बोन, स्किन के लिए बहुत यूज़फुल है और इम्यून सिस्टम को भी बहुत फ़ायदा करता है। तो इस तरह मैंने ये सारी शकरकंदी काट के और अब मैं एक पैन में डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच देसी घी। तो जैसे ही देसी घी गर्म होता है, इसमें मैं अपनी सारी शकरकंदी जो है वो कटी हुई इसमें डाल दूँगी और मैं इसको सोते करूँगी फॉर 1 or 2 मिनट्स। तो आप इसको घी के साथ सोते करें ताकि ये थोड़ा सा एक रोस्ट सा हो जाए शकरकंदी जो हमारा है। तो इस तरह से ये देखिए, इसको थोड़ा सा रोस्ट करते हुए इसको मैं लिड से कवर कर दूंगी। तो इस तरह से 2 से 3 मिनट तक हम इसको पकाएंगे लिड के साथ। और 2 मैंने छोटी इलायची ली हैं, इसको मैं फ्रेशली ग्राउंड करूंगी। तो इस तरह से इसके पोर्स निकाल कर हम इसको ग्राउंड करेंगे और ये भी इसका भी एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और एक फ्रेश ग्राउंडेड इलायची का फ्लेवर वैसे भी एक बहुत ही अच्छा आता है। तो शकरकंदी का जो है ये थायराइड हार्मोन के लिए भी बहुत बेनिफिट है। ये देखिए, ये 2-3 मिनट के बाद शकरकंदी हमारी हाफ कुक हो चुकी है। तो अब मैं इसमें 1/2 कप जैगरी काट के और वो मैं इसमें डालूंगी। तो वैसे 1/2 कप बहुत है, अगर आपको कम ज़्यादा करनी हो तो आप बाद में टेस्ट करके थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं, बट इस टाइम बहुत इनफ है ये हमारे लिए। तो इसको भी मैं अच्छे से शकरकंदी के साथ मिक्स कर रही हूँ और जो मैंने कार्डमम रखा हुआ था अपना वो भी मैंने मिक्स कर दिया इसमें। तो अब हम इसको फिर 2 से 3 मिनट के लिए कवर करेंगे। तो ये देखिए, आपने देखा होगा कि जो स्टीम से अंदर वाटर कंटेंट बनता है वो भी मैं बीच में डाल देती हूँ क्योंकि उसमें भी एक न्यूट्रिशन वैल्यू होती है बहुत ज़्यादा। ये जो सब्जियों की या किसी भी चीज़ को जब हम कुक करते हैं, तो ये मैंने कुछ चॉप करे हुए आमंड्स लिए हुए हैं, ये भी ऐड कर देंगे। और ड्राई फ्रूट आप अपनी चॉइस से और भी डाल सकते हैं, आपको कैश्यू पसंद है, कोकोनट पसंद है, आप कुछ भी डालो तो वो एक डेजर्ट के साथ वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए, इस तरह से सब चीज़ें हम मिक्स करके और इसको फिर से पकाएंगे जब तक कि ये जो जैगरी से वाटर कंटेंट हमारा बड़ा है तो ये ड्राई हो जाएगा और कोट हो जाएगा स्वीट पोटैटो के साथ बड़े अच्छे से। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये देखने में, और ट्रस्ट मी, खाने में भी उतना ही यमी है। और विंटर्स के लिए ये देखिए, आप इसको इस तरह से प्रेस करके देखेंगे स्पून के साथ, ये देखिए तो ये ऑलमोस्ट कुक्ड है ये। और इस पॉइंट पे अब हम गैस को जो है ऑफ कर देंगे और ये हमारी बहुत ही सुंदर और यमी सी एक स्वीट डेजर्ट की स्वीट पोटैटो की डेजर्ट की रेसिपी रेडी है। तो आप कभी भी कोई भी गेस्ट आए, आप बनाएं, खाएं, एंजॉय करें विंटर को भी, और पैम्स किचन के वीडियो देखते रहें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अंटिल देन, कीप कुकिंग एंड बाय बाय।